रुख करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है, राज्यसभा में रियल स्टेट बिल पास हो गया है। बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था, यानी कि अब बिल्डरों की मनमानी रुकेगी, इस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ही इस बिल को लेकर सकारात्मक संकेत सरकार को दिए जा चुके थे और घर खरीदने का ख्वाब देख रहे लोगों के लिए ये बड़ी खबर और अच्छी खबर राज्यसभा से सामने आई है। राज्यसभा में आज रियल एस्टेट बिल पास हो गया। इसके पास होने से अब उम्मीद लोगों की बढ़ गई है कि बिल्डर्स जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल मई में भी सरकार ने इस बिल को पेश करने की पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद सरकार को इस पर पीछे हटना पड़ा था। लेकिन सरकार ने इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ बीच का रास्ता निकाल लिया और इस तरह से लोकसभा में पहले ही पास हो चुका बिल अब राज्यसभा में अब से कुछ ही देर पहले पास हो गया है। रियल स्टेट बिल राज्यसभा में पास हो गया। शिल्पी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिल्पी, बड़ी और राहत वाली खुशखबरी है ये उन लोगों के लिए, उन बायर्स के लिए जो लगातार बिल्डर्स की मनमानी से परेशान रहते हैं। जी चित्रा जी, बताना चाहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी खबर है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि जो बायर्स हैं अब तक बिल्डर्स की मनमानियों से परेशान रहते थे, अब उनको राहत मिलेगी। अब बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और एक अथॉरिटी बन गई है जिससे कानून बनेगा और जिससे जो बिल्डर्स पर जो है शिकंजा कसा जाएगा, लगाम लगेगी और काफी फायदा होगा ग्राहकों को इससे। अगर तीन बड़ी बातें आप बता पाए इस बिल के बारे में। जी, इसमें सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि इसमें अब जो पहले बिल्डर जो होता था बायर को नहीं बताते थे कि सुपर एरिया पर मकान बेच रहे हैं, कारपेट एरिया नहीं बताया जाता था। अब कारपेट एरिया जो है वो ग्राहकों को बताना पड़ेगा कि उनको घर के अंदर कितना कितनी जगह मिल रही है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट का पैसा जो है उनको वो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा पाएंगे, उसी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जितने डिले होते थे वो डिले नहीं होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो है पैसा वो डायवर्ट कर। बिल्डर्स की मनमानी अब कम से कम इस बिल के पास होने के बाद रुक जाएगी, इस तरह की हम उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया शिल्पी इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुके।